चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू, जिसे कुमड़ा कहते हैं। कुमड़ा की सब्जी सूखी भी और खट्टी भी, दोनों तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए, इसके लिए मैंने कद्दू ली है। मैं इसको आधा कटिंग करके आधा को बना लूँगी। इधर मैंने कढ़ाई में तेल ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, राई, जीरा और राई दोनों डाल दिए। पहले राई डालें फिर जीरा, हिंग पाउडर, करी पत्ता, लहसुन, मिर्ची, प्याज, अब मैं कुमड़ा को ऐड करते रही हूँ। मैंने छील के बना रही हूँ, अगर आप बिना छीले बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हो। अब इसको अच्छे से पहले हाई फ्लेम में फिर लो फ्लेम में करके अच्छे से भून लेंगे। देखिए कुमड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसको अब अच्छे से और इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे बीच बीच में। देर तक भूनेंगे तो अच्छे से भून जाएगा। जब हल्का कुमड़ा चिपकना शुरू होता है तो समझिए कि वो भून जाना शुरू हो रहा है। देखिए इस प्रकार से। अब मैं इसमें ऐड करती रही हूँ कच्चा आम, उसको छीलकर कटिंग कर ली हूँ। इसको भी हम लोग साथ में भून लेंगे। छोटे से डाले हूँ। इसमें मैं टमाटर ऐड करते रहे हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। अगर आप लाल मिर्ची खाते हैं तो डाल दीजिए, मैं सिर्फ ग्रीन मिर्ची, हरी मिर्ची यूज़ करती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर ऐसे पकाएंगे।
ये अच्छे से भुंजा गया है। सब मसाले डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ढक कर पका लूँगी 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट बाद इस तरीके से इसमें अच्छे से पक गया है। इसको हल्का और सूखा करेंगे। देखिए अब मैं इसको जिनको सूखा खाना है उसके लिए सूखा निकाल सकते हो, अगर खट्टा नहीं खाना है तो। अब इसके बाद मैंने इसी में ही दही को ऐड कर दे रही हूँ। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। आम डालने से सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, खट्टी मीठी। इसको अच्छे से पका लेंगे दही को। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती। इसको अच्छे से मिक्स कर दिए। इस प्रकार से देखिए कद्दू की सब्जी बनके रेडी है।